जंगल राज वालों के साथ गया है, वही संस्कार वो ग्रहण करेंगे। और ये जंगल राज वाले लोग हमेशा बिहारी को लज्जित करते हैं, इनसे बिहार को मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले की जो जमात बनी है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। राजद आरजेडी डूबने वाली नाव है और चुनाव के बाद जीरो पर आउट होगा। लालू परिवार की जमींदारी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी और 2025 में वो 25 सीट भी पार नहीं करेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं हूं आपके साथ है संजीव सिंह। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने आज इस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी पर जो बयान दिया है उसको लेकर के बिहार में राजनीति काफ़ी गर्म है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो लगातार मुकेश सहनी पर हमला कर रहे हैं। इसी क्रम में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने अभी भी पटना एयरपोर्ट पर मीडियाकर्मी से बातचीत करते हुए मुकेश सहनी पर जमकर हमला किया। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये संगत का असर है, जिस प्रकार से वो जंगल राज गुंडा राज वाले के साथ गए हैं और साथ जाने के बाद जो है उनके संगति का ये असर है जो इस प्रकार की वो बात करते हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उन्होंने कहा है, और पहले सुनाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा। जो माफिया लोग हैं जंगल राज वालों के साथ गया है, वही संस्कार वो ग्रहण करेंगे। और ये जंगल राज वाले लोग हमेशा बिहारी को लज्जित करते हैं, बिहारी को लज्जित करने वाले लोग देश के प्रधानमंत्री का सम्मान नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इनसे बिहार को मुक्त करना जरूरी है, क्योंकि बिहार के जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले की जो जमात बनी है, बिहार की जनता उसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। आरजेडी में कई ऐसे नेता है जो उनका दामन छोड़ रहा है, रामा सिंह भी जो इस्तीफा दे दिया। राजद आरजेडी डूबने वाली नाव है और चुनाव के बाद जीरो पर आउट होगा। लालू परिवार की जमींदारी इस चुनाव में समाप्त हो जाएगी और 2025 में वो 25 सीट भी पार नहीं करेगा, ये जनता तय कर चुकी है। जैसा कि आपने सुना कि साफ तौर पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान करना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से ये लोग बयान दे रहे हैं ये वही लोग हैं जो बिहार को बदनाम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने भी और भी कई तरह की जो है बातें कही है मुकेश सहनी को लेकर के, और रामा सिंह के बारे में भी उन्होंने कह दिया है कि आरजेडी छोड़ने की जो वजह है, चूँकि से सब समझ गए हैं कि आरजेडी जो है ये डूबती हुई नैया पे सवार है, ये डूबने वाली पार्टी है और बहुत जल्द ये पार्टी खत्म हो जाएगी और इसीलिए लोग जो है वो आरजेडी को छोड़ रहे हैं। तमाम तरह की बातें नजर आई करते हुए विजय कुमार सिन्हा आपने भी सुनोगे अभी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स माध्यम से दे सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।